मध्य प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होना है। सियासी दल अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ अब मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनता भी मैदान में है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया में ग्रामीणों ने सड़क न बनने से नाराज होकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। करीब 20 साल से रोड बनने की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों का सब्र टूट गया है और ग्रामीण मैदान में उतर आए हैं। हरदा जिले के ग्राम हंडिया से ग्राम कतराना के 16 किलोमीटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। यही नहीं, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान उन्होंने साफ साफ किया है। दरअसल ग्रामीण और किसानों का कहना है कि इस सड़क पर पड़ने वाले ग्राम जुगरिया जाने के लिए 3 नाले पड़ते हैं, जिससे बारिश में यह गांव टापू बन जाता है, जिससे संपर्क टूट जाता है। वहीं यहां के लोग बताते हैं कि शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। सभी ग्रामीणों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि रोड नहीं बनने पर आगामी विधानसभा चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। मोहन पटेल कहते हैं कि करीब 20 वर्षों से ग्रामीण सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब वहाँ के मंत्री हैं कमल पटेल, जो मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। वह मंच से बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, लेकिन उनके दावों और वादों में कोई दम नहीं है। अगर उनके दावों और वादों में कोई दम होती तो जमीनी स्तर पर यह खोखली व्यवस्थाएं देखने को न मिलती। कृषि मंत्री कमल पटेल का ये इलाका है हरदा। ग्रामीणों के अनुसार जुगरिया से रिजगांव, आदमपुर और भमोरी जाने वाले 3 मार्गों पर सालों से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ रेत खदान होने से हैवी वाहनों के गुजरने से सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे में निकलने के दौरान ग्रामीणों को बेजब परेशानी होती और दुर्घटना का शिकार भी उन्हें होना पड़ता है। लेकिन एक मंत्री के क्षेत्र की सड़कों की यह तस्वीरें देखकर हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंत्री हैं जो मंच से घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन जनता के लिए वह घोषणाएं सिद्धगार नहीं होती, उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल पाती। बस इसी का जवाब जनता चुनाव में नेताओं को देती है। फिलहाल इस गांव के लोगों ने अब मोर्चा खोला है और मतदान बहिष्कार करने का दावा किया है और नारे भी लगाए हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका, अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर वन ट्रैक्टर, तो देर किस बात की। ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रैली।